गाइस तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और ये अपने सामने खड़ी है हमारी टाटा नेक्सॉन XZ प्लस, इसकी थर्ड सर्विसिंग करने जा रहे हैं अपन। कुछ थोड़े छोटे बेटे प्रॉब्लम्स है, कुछ चेकअप है, ज़्यादातर कुछ नहीं है। तो 15,000 पे था बट अब 12,000 ही हुई गाड़ी, तो लेके जाते हैं इसको। ये प्रॉब्लम तो यही है गाइस इसका, आपने देखा था हमने रिपेयर किया था, बट ये फिर से बज रहा है। यहाँ से खट 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 ऐसी आवाज़ आती है, और थोड़ा बहुत नॉर्मल चेकिंग होगा। और देख लो गाइस कितनी धूल पड़ी है गाइस गाड़ी पे, कांच पे, तो मस्त वॉशिंग विशिंग करके आएंगे। तो चलो चलते हैं, अब सफाई हो गई और निकल रहे हैं अब सीधा बाहर की तरफ। तो अब सीधा आपको दिखाऊंगा मैं सर्विस सेंटर में जाके, तो पेट्रोल भी फ्यूल कराना पड़ेगा गाइस। देखो रेंज से 147 किलोमीटर की बची है, थोड़ा बैक कर लो गाड़ी। गाइस सर्विसिंग करने हमें थोड़ा मतलब बीड डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। हमारा जो गेवराई तालुका है, जो तालुका लेवल पे, वहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है टाटा का, बट जो बीड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी मैंने कार ली थी। जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा, और एक मेरा दोस्त भी आ रहा है, यही रहता है वो नियर में, तो उसे भी लेके चल रहे गाइस, क्योंकि बहुत ही वहाँ टाइम जाता है 2-3, तो थोड़ा घूम लेंगे, 2 लोग हो गए तो बोर नहीं होगा ज़्यादा। देखिए भाई ये वही बंदा है जो अपने साथ ट्रिप में था, तो हम 2 लोग जा रहे तो चलो चलते सीधा। फर्स्टली तो हमें अपना रिफ्यूल करनी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि गाइस फ्यूल बहुत कम है गाड़ी में। 146 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और पूरी ट्रिप पड़ेगी 70-75 किलोमीटर है गाइस हमारे घर से। तो चलो चलते हैं, फर्स्टली तो अपना फ्यूल रिफ्यूल करते हैं। देखो HP का पेट्रोल पंप आ गया, और अपन थोड़ा रिफ्यूल कर लेते हैं कार को, क्योंकि गाइस इसमें सिर्फ 140-136 की रेंज दिखा रहा है। तो डाल लेते थोड़ा सा पेट्रोल तो आ गए पेट्रोल पंप पे, चलो थोड़ा सा रिफ्यूलिंग करवाते हैं। तो 700 का गाइस रिफ्यूलिंग कर रहे हैं अपन पेट्रोल, देख लो गाइस। सो हो गया 700 का फ्यूल, तो अभी बिलिंग करते हैं। 238 किलोमीटर की रेंज हो गई, अपना पेट्रोल फ्यूल हो गया, और चलो चलते हैं अब। गाइस तो अपन फास्ट टैग पे आ गए, तो देखते हैं गाइस कितना फास्ट टैग कटेगा। तो चलो चलते हैं, इस लेन में तो वॉलेट में तो पैसे है, देखते हैं कटेंगे। कट गए गाइस, बहुत महंगा टोल है, 100-200 रुपए का पड़ा अपने को, तो बहुत ही महंगा पड़ा रोड है गाइस। तो बिल्कुल ही समय नहीं लगता आने के लिए, बस एक टोल पड़ता है 160 रुपीज जाते गाइस टोल में, पर रोड का मजा है गाइस। तो चलो चलते, अब सर्विस सेंटर नजदीक ही आ गया है, तो चलते हैं। तो अपन सामने अपने गोविंद कार्स का बोर्ड नजर आ जाएगा, जो अष्टविनायक पार्क है वहीं पे अपना टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर। तो चलो चलते हैं। अरे भाई यहीं पे क्या ही रोड है, देखो अष्टविनायक पार्क लिखा हुआ है। तो नियर अबाउट 5 किलोमीटर है यहाँ से गाइस हमारा बीड डिस्ट्रिक्ट। तो चलो गाइस सर्विस सेंटर में देते हैं गाड़ी, और देखते हैं बाहर जाएंगे या वहीं रुकेंगे, तो अपडेट देते रहेंगे आपको। तो गाइस क्या हुआ ना, मैंने मतलब जो सर्विस सेंटर का क्लिप डाला है वो उतना ही छोटा क्लिप है, क्योंकि गाइस वहाँ ना मतलब एक तो वार्निंग थी कि शूटिंग अलाउड नहीं है, ऊपर से मैंने जैसे कैमरे निकाला तो एक बंदा भाग के मेरे पास आया और बोला सर आप शूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके कुछ मतलब परमिशंस नहीं है कैमरा निकालने के लिए सर्विस सेंटर में कुछ। वरना मैं तो तय करके गया था कि एक एक चीज़ दिखाऊंगा अपनी गाड़ी की, कैसे ऑयल चेंज होता है, कैसे ऑयल फिल्टर चेंज होता है, कैसे AC फिल्टर चेंज होता है, बट गाइज उन्होंने मुझे मतलब शूट नहीं करने दिया। वो बात तो छोड़ो गाइज, बट मैं टाटा मोटर से बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ गाइज, क्योंकि ये देख सकते हैं आप गोविंद टाटा मोटर से हमारे बीड़ का जो एजेंसी है ना, उनके पास मैं सर्विस करवाने गया था, तो भाई उनने टैक्स इनवॉइस इतना मतलब इतना कॉस्टली बना दिया गाइज। मैंने बहुत से लोगों से मतलब देखा है, सुना है, बहुत से लोगों के पास गाड़ियाँ है, नेक्सॉन से भी बड़ी बड़ी गाड़ी है, जैसे अपना टोयोटा फॉर्च्यूनर गाइज, उनका तक इतना बिलिंग नहीं होता गाइज, 8-10 हज़ार बिल उनका भी नहीं होता गाइज सर्विस सेंटर पे, जितना इस गाड़ी का हुआ है गाइज।
इस गाड़ी का टोटल उन्होंने टैक्स इनवॉइस सब कुछ मिला के सर्विस एंड सर्विस चार्जेस गाइज खाली 8,088 रुपीज़ गाइज बिल बना दिया गाइज। इससे मैं मतलब इतना परेशान हो गया ना यार, कितनी मतलब महंगी सर्विस गाइज, वो भी टाटा नेक्सॉन की, ऊपर से पेट्रोल है गाइज। डीजल इंजन का तो समझ में आ जाता है कि थोड़ा बहुत महंगा होता है, बट गाइज पेट्रोल की इतनी सारी कीमत से भाई, कि ऊपर से मेरी गाड़ी इतनी रन नहीं करती, ऊपर से 8,000 रुपये सर्विसिंग में लगाओ, 13,000-14,000 रुपये इंश्योरेंस के गाइज, 20,000-25,000 खाली ऐसे ही मतलब हर साल जा रहे गाइज। ऊपर से रन भी नहीं है गाड़ी का, ऊपर से मेरे को कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए मैं घूमने भी नहीं जा सकता। तो भाई मेरे को ना, मैं थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूँ गाइज़, इसकी ऊपर थोड़ी आवाज़ हो रही थी गाइज़, तो देखना मैं बता रहा था कि इतना मतलब बिल बना देते हैं ना ये, और इनकी भी गलती नहीं है गाइज़, सर्विस सेंटर वालों की भी, और ये सब मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत है गाइज़। देखना आप इधर देखना, एक नंबर पे जैसे जूम कर ले कैमरा, ये देखो टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल जो होता है ना, वो पड़ता है गाइज 1,830 रुपये का। देखना गाइज, देखना CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स होता है, और SGST मतलब अपना जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स होता है। अब सेंट्रल का तो सेम रहेगा, बट स्टेट का आपके अकॉर्डिंग, जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र थोड़ा महंगा सिटी है गाइज, मतलब हमारे यहाँ पेट्रोल का भी लगभग अभी 2 रुपये सस्ता हुआ है गाइज, सिर्फ इलेक्शन के कारण ये ऑटो के लिए करते है गाइज, 2 रुपये सस्ता किया है, और बढ़ाते समय 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये से बढ़ा देंगे, बट कम करते हुए बहुत 2 रुपये मतलब बहुत बड़ी चीज़ है गाइज, क्योंकि ये सिर्फ 30-40 पैसे से कम करते हैं, तो पेट्रोल डीजल तो बहुत महंगा है गाइज महाराष्ट्र में। तो देखना गाइज, आप पूरा देख लो, मैं ऐसे रख लेता हूँ, पूरा पढ़ लेना गाइज क्या क्या है। ऑयल फिल्टर का देख लो गाइज, 9% तो टैक्सेस है गाइज, और यहाँ देखो 14% है, क्या है स्पार्क प्लग, देखना गाइज 281 रुपीज़ का स्पार्क प्लग है गाइज, और 80 रुपये का मतलब टैक्स दे रहे हैं हम लोग, और ऊपर से शोरूम वाले वो पैसा अलग लेते हैं, सब कुछ अलग, मतलब गाइज जो अपने टैक्सेस होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, या ये सब टैक्सेस देखना है, पीछे भी देखना है, 40% ये दिख रहा है ना आपको, 14 ये पहला 14 है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, मतलब अपनी जितनी अमाउंट है 546, उसका 14% जितना होगा उतना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और 14% देखना यहाँ पे लिखा भी है, 76.56 रुपीज़, मतलब ये हो गया लगभग 152-153 रुपये के आसपास, तो ये टैक्स में ही जा रहा है गाइस। मतलब देखो मैं कह रहा था ना गाइस, टाटा वालों की थोड़ी महंगी सर्विस है, तो मैंने ठीक से देखा पढ़ा, पर देखा था गाइस मतलब टाटा वालों का ही गलती नहीं है, सभी लोगों का यही हाल है गाइस, क्योंकि इसके लिए वो गाइस मैं सर्विस सेंटर का तो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया शुरुआत में, उन्होंने मुझे कैमरा खोलने नहीं दिया गाइस, उनकी परमिशंस नहीं थी, उनके अगेंस्ट द पॉलिसी बोल रहे वो लोग, ऐसा कुछ होता नहीं है गाइस, बट वो वही होता है ना कुछ, मतलब उनके खिलाफ कुछ दिख जाए या कुछ गलत कर रहे वो मिल जाए तो वैसे बोलते रहते हैं। बट गाइस मैं ऐसे बता रहा हूँ गाइस कि टैक्सेस बहुत महंगे हो गए गाइस, आम आदमी को कार मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए गाइस आप भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ये अपना पूरा एक्सपीरियंस था अपने सर्विसिंग का, अगले बार से मैं देखूंगा गाइस सर्विस सेंटर से ना करके बाहर से ही करूँगा, क्योंकि अपनी गाड़ी की वारंटी भी एक्सपायर हो जाएगी, और मुझे तो नहीं लग रहा गाड़ी 1-2 साल से ऊपर रहेगी, मैं बेच दूंगा गाइस पेट्रोल गाड़ी, मैंने जैसे बताया मुझे डीजल खरीदनी है, तो सर्चिंग चल रही है गाइस। मैंने एक फ्रॉन्क्स का भी मतलब शोरूम गया था, और वहाँ पे देखा है गाइस, मैं आपको डाल दूंगा वीडियो 1-2 दिन में, तो गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।